यो सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं वॉच डॉग्स लीजन। तो गाइस देखो, मुझे मालूम है कि वॉच डॉग्स लीजन सीरीज का ये एपिसोड बहुत ज्यादा दिनों बाद आ रहा है, तो उसके लिए रियली सॉरी। एंड शायद से ना आप में से काफी सारे लोग ये भी भूल गए होंगे कि आखिरकार अपनी गेम की कहानी में क्या चल रहा था। तो अभी ना मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक जितना हमने खेला है ना, वो सारा का सारा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप लोग को आगे की कहानी अच्छे से समझ आए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस सीरीज के कोई भी एपिसोड आप समझ पाओ या फिर उसे मिस कर दो। तो यार देखो, मैं आपको शुरू से बताता हूं हुआ क्या था। जब हम लोग लंदन सिटी में आए थे ना, ये अच्छी खासी थी, तो जीरो डे नाम के एक बहुत बड़े हैकर ने, या फिर आप लोग कह सकते हो एक बहुत खतरनाक बंदे ने, इस शहर पे ना बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए चार पांच जगह पर, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी बिल्डिंग्स ब्लास्ट होकर तबाह हो गई और लंदन शहर में एक बहुत खतरनाक सीन हो गया। बाकी यार एक सेकंड, पहले वाली मैं सुपर बाइक ले लेता हूं, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लग रही है भाई। ये सिंगल सीटर है ना, नहीं है तो डबल सीटर, बट अच्छी है। तो हां गाइस, मैं क्या बात कर रहा था, उस बंदे ने ना यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्बायन करके ना एक प्राइवेट मिलिट्री है, जिसने ना लंदन शहर पर आकर सीधा कब्जा करना शुरू कर दिया और लोगों को ये दिखाया कि ये मिलिट्री वाले हैं, वो शहर को ना वापस से ठीक कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। बट ऐसा नहीं है, ये ना चुपके चुपके से पूरे शहर पर कब्जा कर रहे हैं। और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना जीरो डे वाला, तो काफी सारी गैंग्स थी जो कि सारी की सारी खत्म हो गई थी। जैसे अपने डेड सेक के भी सारे बंदे मर गए थे और जितनी भी गैंग्स थी सारी खत्म हो गई थी, बट एक गैंग थी क्लैन कैली, जिसकी लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे। तो वो गैंग गाइस बच गई है और ये अल्बायन वाले और वो क्लैन कैली मिलकर जीरो डे का साथ दे रहे हैं, जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। तो आप लोग समझ रहे हो ना, ये तीनों मिलकर कैसे पूरे के पूरे शहर को पागल बना रहे हैं। तो अभी ना हमें इनको ही एक्सपोज करना है, इनका पूरा का पूरा जो सीक्रेट है वो सारा बाहर निकालना है। अभी फिलहाल ना हम लोग एक बंदे को ढूंढने जा रहे हैं, उसका नाम पता नहीं क्या था, मैं भूल गया। बट अभी ना ये जो ईपीसी है ना, हमें यहाँ पर पहुँचना है। तो अभी जो वे पॉइंट है वो पूरा सेट हो चुका है, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है आप लोग को शायद से पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी जो मैं बताना चाह रहा था। बट हाँ, अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप लोग पीछे के दो एपिसोड जाकर देख सकते हो, वो आपको पूरे समझ आ जाएंगे। तो हमने क्या करा था, जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, अभी उन्हीं से जगहों पर जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एआई के थ्रू। मतलब क्या होगा, जो भी उस टाइम पर वहाँ सीन हुए थे ना, हम लोग एआई के थ्रू उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है यहाँ पर कौन कौन था। अब ये सारा कमाल है हैकिंग की वजह से। बाकी यार ये देखो कितना ज्यादा गलत सीन है। बाकी यार आज क्या मेरी किस्मत है भाई, एक से एक सुपर बाइक दिख रही है। बट नहीं, मेरी वाली सुपर बाइक ज्यादा अच्छी है भाई, ये एकदम नेक्स्ट लेवल लुक है इसकी। मेरे को अभी तक ये वाली बाइक इस गेम में नहीं दिखी थी। बट आप लोग देखो, हर जगह आपको मिलिट्री वाले दिखेंगे, बंदों को अरेस्ट कर रखा है, कहने को वो किडनैप ही है। बट हाँ, अभी इनकी भाषा में मेरे को उसे अरेस्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलिट्री वाले बन चुके हैं, हर जगह पर इन्हीं के फ्लैग्स लगे हुए हैं। बट हाँ, अभी मेरे को पता नहीं कितना ज्यादा दूर जाना है, फिर ये बाइक मैं संभाल के रखने वाला हूँ। भी फटाफट से वहां पर चलते हैं और उस ईपीसी से हमें मिलना है, ठीक है। एंड गाइस हाँ यार, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वो ये है कि हमें ना इन क्लैन कैली वगैरह इन सबके बारे में ना एक मिलिट्री के बंदे से पता चला था। एक लड़की थी जो कि पहले मिलिट्री के लिए काम करती थी, तो उसने ना इन सभी की रिकॉर्डिंग कर रखी थी। तो फिलहाल उसके थ्रू हमें सब पता चल गया है, और इसलिए अभी हम लोग आगे, हमें मतलब एक टाइप से ना क्लूज मिल गए हैं कुछ। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। इस जगह की मेन गेट की एंट्रेंस यहीं पर है, बट अंदर जाना मेरे हिसाब से सेफ नहीं है। अपनी गाड़ी यहीं ओत तेरी अल्बायन वाले हैं, इसलिए सेफ नहीं है, ये मेरे को अंदर नहीं जाने देंगे जहां तक मेरे को लग रहा है। अपनी बाइक ने मैं एक काम करता हूँ, यहीं कहीं पर साइड में पार्क कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये खो जाए या फिर चोरी वोरी हो जाए। तो अभी जल्दी से इसको हम लोग यहीं पर खड़ा कर देते हैं। हेलो, ये हेलो क्यों कर रही है मेरे को, बट कोई नहीं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जल्दी से अंदर चलते हैं, यहाँ पर क्या सीन है, ये किस चीज के अनाउंसमेंट कर रहा है भाई। And an enormous number of missing person cases center around the EPC. Okay. The inspector was definitely onto something. Right. So where's that contact? I'm not too optimistic on Angel's chances if Albion learns he's dead sick. तो गाइस देखो, बिना फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि बैगली अपना रोबोट है, मैं आपको ना एक एक चीज याद दिलाने वाला हूँ। इसमें भी मेरी गलती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग कुछ मिस ना करो। बट हाँ, मैं सब कुछ याद दिलाते रहूंगा। तो बैगली अपना रोबोट था, वो कह रहा है कि ये जो ईपीसी की बिल्डिंग है ना, ईपीसी की मैं फुल फॉर्म मेरे को याद थी बट मैं अभी भूल गया हूँ। तो हाँ, इसी बिल्डिंग के ना यहीं पर एक एंजल नाम का अपने डेड सेक ग्रुप का, हैकर्स ग्रुप का एक बंदा शायद काम करता था। तो हो सकता है वो अभी जिंदा हो, अगर वो जिंदा होगा तो भाई अपना बहुत फायदा हो जाएगा, हमें काफी सारे क्लूज मिल जाएंगे। तो भी ना जल्दी से हमें अंदर जाकर उसे ढूंढना है, अगर नहीं होगा तो हम लोग एआई कंस्ट्रक्शन के थ्रू उसे ढूंढ लेंगे। बाकी एक सेकंड, जंप मार के मैं साइड से आ तो चुका हूँ, बट मुझे नहीं लगता यहाँ से एंट्रेंस है। बट कोई नहीं, हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे अंदर जाने के लिए। यार यहाँ पर वो एक सेकंड रुक जाओ, इसके ऊपर चढ़ते हैं पहले, यहाँ से जगह है क्या। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मैं क्या ही पागलपंती कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा हैकर हूँ यार। उस गेट पर जो भी मतलब की सिक्योरिटी लगी हुई है, मैं उसको ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्टली अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, बिना फिलहाल जल्दी से ना हम लोग गेट के पास चलते हैं और
यहाँ कहीं पर ना अगर कोई कैमरा वगैरह है ना तो उसे हैक करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमें वो देखो सामने की तरफ में कैमरा स्पॉट हो गया, इसको मैंने कर लिया जल्दी से हैक। और यहाँ पर कोई कंप्यूटर वगैरह है तो मेरे को उसे पहले तो ढूंढना है, बाकी एक कैमरा ये रहा। एंड शायद से यहाँ पर यार इन्होंने कोई भी कंप्यूटर सेटअप नहीं कर रखा क्या? मैं इसको ऑफ कहाँ से करूँ अभी ना? फिलहाल मेरे को इसके कनेक्शंस तो समझ नहीं आ रहे। अंदर जाने का एक रास्ता है, ये वाला गेट मैंने खोल दिया बट इससे अपना कोई फायदा नहीं है। ओके तो अभी ना फिलहाल गाइस मैं इस जगह के अंदर आ चुका हूँ जिस जगह को मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। ओके तो अभी हमें वहाँ जाना है, वहाँ एक कैमरा और है, इसको भी हैक करते हैं। तो गाइस देखो बिना फिलहाल यहाँ पर बाहर की तरफ में जितने भी कैमरास थे ना मैंने सबको चेक कर लिया है, बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आखिरकार इस चीज़ को कैसे ऑफ करूँ। और अंदर की तरफ में जो कैमरा था ना इसका भी मैंने एक बार व्यू ले लिया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अंदर एल्बाइन वाले कुछ बंदे हैं, मैं कंप्यूटर ढूंढ रहा हूँ जिसके थ्रू मैं ये सिक्योरिटी ऑफ कर दूँ, बट वह ऐसा यहाँ पर नहीं है। अभी फिलहाल मेरे को ना कुछ भी करके अंदर जाना है। ठीक है तो एक काम करता हूँ, यहाँ से ना मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, चुपचाप से जाएंगे तो सीधी सी बात है सायरन बच जाएगा इसके अंदर से, भले चुपचाप से भी जाएँ तो। कि यहाँ पर पीछे से कोई एंट्रेंस है अपने ही, मैं स्पाइडर बोट को भेजू क्या? स्पाइडर बोट भी तो फंस सकती है ना यहाँ पर। ये देखो रास्ता तो है बट यहाँ से ओ नहीं 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 रास्ता है ओके शायद काम हो जाएगा। अगर ये चढ़ गया ना तो पक्का हो जाएगा काम। ठीक है वैसे चढ़ तो जाना चाहिए, इतनी हाइट तो प्लीज चढ़ जाए यार। ओके तो मैं आ चुका हूँ भाई, सीधा रास्ता था, मैंने छोटी मोटी कोई ध्यान नहीं दिया बट इसीलिए मैं नहीं आ पा रहा था, बट अभी फिलहाल मैं यहाँ से आ चुका हूँ। और अब मेरे को यहाँ से अंदर जाना है, एक सेकेंड चुपचाप से हम लोग ना यहाँ से चुपचाप स्नीक करके पूरा जाएंगे अंदर और देखेंगे अंदर क्या ही सीन है। बाकी यार देखो अभी ना फिलहाल मुझे ना दो तीन कुछ ऐसे आइटम्स खरीदने पड़ेंगे जिससे मैं किसी भी बंदे को ना साइलेंटली किल कर सकता हूँ। ठीक है बाकी तो सामने की तरफ में एक बंदा है, इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, देन इसको भी डिस्ट्रैक्ट। ओ इसको मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा भाई, एक सेकेंड मैं इसको डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा भाई, एक सेकेंड इसका ध्यान हटेगा तो मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ। नहीं 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 शायद, अरे ये तो कुछ कह भी नहीं रहा, इसने देख लिया तो मेरे को कुछ कहेगा ये? मेरे को पता नहीं है, मेरे को कुछ नहीं कह रहा है, मेरे को इससे डरने की शायद जरूरत नहीं है। कहना होता तो वो उसी टाइम कह देता क्योंकि मैं उसकी आंखों के आगे से भागता हुआ आया हूँ। ठीक है बाकी अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर एकदम अंदर तो पहुँच चुके हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी अल्बायन के भाई, इतना तो इन्होंने काम नहीं करा जितने पूरे के पूरे शहर में अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी भाई। देख I've already taken care of your entry. Get you in quick and quiet. ठीक है मैं एकदम चुपचाप जा रहा हूँ. Right? Don't want a record of me anywhere here. No worries, I'll spoof. But come meet me on the rooftop. The only place here that doesn't smell like piss. Got some info for you. ओके ठीक है तो अभी ना फिलहाल यहाँ से सबसे पहले तो हमारा मेन टारगेट है यहाँ पर, जितनी भी इन्फो है ना वो सारी की सारी हमें कलेक्ट करनी है। बाकी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे इन लोगों से डरना चाहिए या फिर नहीं डरना चाहिए, एक बार मैं नॉर्मल इनके आगे जाकर देखता हूँ। ठीक है हाँ ठीक है अभी फिलहाल, अच्छा इससे हमें नॉर्मली आके ही मिलना था क्या यार? कोई कुछ कहे ना, ये अल्बायन का ही बंदा है, ये भी अल्बायन ही है। हेलो इससे बात करते हैं भाई, मैं बेमतलब अंदर डरता हुआ आ रहा था। What's going on here? This place is worse than our prison camp. Every day I see people come through here, torn from their homes and their families. But I'd rather stay and keep my eyes open. मैं हमें एंजल को ढूंढना है ना यार। ये मोंटी है। Like no. Fucking hell. They just pack immigrants in this dump and forget about them. Bloody disgrace that is. They could die or disappear and no one would notice. Yeah, well, people have been disappearing. Records say they have been processed, but it doesn't add up. No one ever properly leaves. And with the Kellys prowling around like fucking hyenas, I am not too optimistic about the people slipping through the cracks. Bugger me. Of course, Mary Kelly is involved in all things dodgy. Truth. Now, about your missing guy. The best place to start would be the EPC database. Yeah. They keep a record of everyone that comes in. And be careful. ठीक है तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमें पूरा का पूरा वो रिकॉर्ड निकालना है जो कि यहाँ पर आखिरकार कौन कौन आया था। तो यहाँ का भी एक्सेस था ईपीसी डेटाबेस। ठीक है तो यहाँ पर अभी जो ईपीसी का डेटाबेस है वो मैं सारा का सारा एक्सेस करना है, बट अभी फिलहाल मैं यहाँ तक तो एकदम सेफली आ गया हूँ, बट अंदर मैं किसी भी कीमत पर सेफली नहीं जा सकता क्योंकि ये देखो यहाँ पर सारे के सारे एल्बैन के बंदे हैं, गेट पर भी पूरा रेड हो रखा है तो पूरी सिक्योरिटी एकदम टाइट है। तो अभी हमें अपनी स्पाइडर पोर्ट वगैरह यूज करनी है, बाकी तो यहाँ पर कोई कैमरा वगैरह है तो मैं उससे पहले ना डिटेक्ट करता हूँ। ओके तो मेरे को कैमरा यहाँ पर मिल चुका है, पहले तो ना मेरे को ये जो गेट की सिक्योरिटी है ना ये ऑफ करनी है। यहाँ पर ये कैमरा बाहर का है ना, बाहर का कैमरे का एक्सेस चाहिए यार, ये पड़ा यहाँ पर और एक बारी चेक करता हूँ। यहाँ कुछ तो है बट मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ यार, कहीं कंप्यूटर वगैरह नहीं है क्या यार? मेरे को एक बार कंप्यूटर दिखेगा ना
तो मैं उसके बाद उसे डिस्ट्रैक्ट तो कर पाऊंगा एटलीस्ट। तो वैसे कैमरास तो इन्होंने काफी सारे लगा रखे हैं, मैं जहां का व्यू चाहूँ ना वहां का व्यू ले सकता हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। एक ही जगह पर दो दो तीन तीन साइड के कैमरे हैं। तो गाइस सर देखो, जहां तक मुझे लगता है ना, मुझे अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग इन कैमरास को हैक करके ही ना ईपीसी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी एक सेकेंड, CTOS यहां से अपनी स्पाइडर अंदर आ सकती है जहां तक मेरे को लग रहा है इस वेंट के थ्रू। तो ये क्या चीज है? ओके, तो गाइस अभी ना मेरे को लग रहा है कि हमें अपनी स्पाइडर को अंदर भेजना चाहिए। ये वाला जो कंप्यूटर है ना, हमें यहां तक पहुंचना है। पता नहीं ये कैसे होगा, अपनी स्पाइडर को मैं भेज दूं के अंदर, बट हाँ मेरे को थोड़ा बहुत रिस्क लग रहा है। अगर एक बार ये ऑफ हो जाता ना तो ज्यादा बढ़िया रहता। ओ इतना आसान था, इसका बटन यहीं पर था। वाओ, मैं बेमतलब इतना टेंशन ले रहा था। अभी ना चुपचाप से अंदर चलते हैं। गन निकालो बाहर। ओके ओके, मैं जा रहा हूं अंदर। भाई बहुत ज्यादा स्नीक इन करके जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बेमतलब की फाइट बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और अगर एक भी बंदा मेरे को देखेगा ना तो सीधी सी बात है बहुत बुरी तरह मारेगा। मेरे पास कोई भी आइटम नहीं है किसी भी शायद किसी ने देखा, उसे डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो किसी ने भी देखा ना तो मैं उसको साइलेंटली किल नहीं कर पाऊंगा, फायर करना पड़ेगा। और तब तक सबको पता चल जाएगा आखिरकार यहाँ क्या सीन चल रहा है। ओके, ये लैडर से मैं ऊपर जा सकता हूँ ना? ठीक है, चढ़ 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 जल्दी। ओके वाओ, ये अच्छा शॉर्टकट था। एंड अंदर चलते हैं अभी। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं यहाँ तक। तो गाइस मैं पूरा सेफली आ गया हूँ। भाई ये ओपन कैसे होगा यार? मेरी स्पाइडर अंदर जाएगी। ये हुई ना बात, तो इसको मैं ओपन कर लूँगा ना। एक मिनट रुक जाओ, पहले ना गाइस मैं थोड़ा साइड में कवर ले लेता हूँ, कहीं पता चले ऊपर से कोई आ तो नहीं जाएगा ना। ऊपर एक बार ही चल के चेक कर लेता हूँ। ऊपर सिक्योरिटी गार्ड है बट मुझे नहीं पता ये नीचे आएगा नहीं। ऊपर की ड्यूटी हुए ऊपर ही करनी चाहिए, नीचे कोई फालतू आए ना। पहले यहाँ पर मैं कवर लेता हूँ। हाँ, तो ईपीसी की फुल फॉर्म है यूरोपियन प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, तो मैं फटाफट से अपनी स्पाइडर यहाँ फेंकता हूँ एंड फटाफट से ना गाइस ट्राई करते हैं इसको अंदर भेजने का। तो ये मैंने किया इसे हाईजैक एंड प्लीज ओपन हो जा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी स्पाइडर बोट को स्वेंट के अंदर भेजते हैं। और अभी ना फिलहाल इसके अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है तो मेरे को ना लाइट मार मार के हर तरफ देखना है। ओके, तो हाँ यहाँ पर रास्ता है। ये फैन हट जाएगा ना? ओ ये फैन हटेगा नहीं क्या? एक सेकेंड, फिर मैं आगे कैसे जाऊँगा अगर ये हटेगा नहीं? पहले ट्राई करते हैं यार। टूट जा भाई। ओ यहाँ रास्ता है। ठीक है, मैं बेमतलब फैन हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से अभी हमें सीधा जाना है एंड एग्जिट। भाई कितनी ज्यादा लंबी वेंट है, मेरे को उस रूम में जाना है। भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, बट हाँ ये रही रश। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग इस रूम में पहुंच चुके हैं। ये वही रूम है ना? नहीं नहीं नहीं, ये मैं किसी गलत रूम में आ गया हूँ। तो यहाँ से उस रूम में जाने का रास्ता भी नहीं है यार। मैं उस रूम में कैसे पहुंचूंगा? मैं कहाँ से घुस के कहाँ निकल गया? तो मुझे ना इसके एक पीछे वाले रूम में मुड़ना था, तो जल्दबाजी में थोड़ा सा आगे आ गया। हाँ ये है वो वाला रूम। अभी जल्दी से ना इसको हम लोग ओपन करते हैं एंड किसी को क्या पता हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एंड अभी इसको मैं ओपन नहीं, ये वाला गेट नहीं खुल जाएगा अंदर से? नहीं खुलेगा। इसको मैं कैसे एक्सेस करूं? रुक जाओ, इसको फटाफट से हम लोग इसे ओल्ले भाई, यहाँ पर जितना भी डेटा है सारा का सारा एक्सेस करा, काम हो गया। अभी पहले इसे डाउनलोड होने देते हैं एंड फिर हम लोग चलेंगे जल्दी से। भाई यही मजा आता है इस गेम में, जो हमें अलग चीज़ देखने को मिल देना हैकिंग वाली। तो अभी फिलहाल डेटा हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर AR रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, his file has been deleted from the main database along with hundreds of others, still very detailed. Wow, even when committing crimes against humanity the government kari humne be matlab. Here is a recording labeled exit interview. ठीक है, क्या यार अभी फिलहाल ना यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि जितना भी डेटा था ना वो सारा का सारा डिलीट हो चुका है। एंड गेरी एग्जिट, यहाँ से पहले हम लोग बाहर निकल गए। ये रिकॉर्डिंग है जो कि हमें उसमें से मिली है। Think you were picked up on some random sweep. Not a fucking chance. कोई ईपीसी का ही कोई शायद से मैनेजर या फिर कोई बंदा है। एंजल की आवाज़ कैसी है? एंजल की आवाज़ जिसको हम लोग ढूंढने आए हैं। I know how this ends. Oh, I don't think you do. I'm going to throw you to the wolves. The Kellys have an interesting way of disposing with problems. You think I'm scared of some fucking thugs? Winding up floating in the dams? Fuck you. You're too pretty for that. इनकी लड़ाई एंजल की ना लड़ाई हुई है उससे, मार दिया होगा यार फिर तो इन्होंने एंजल को। और ये मैं कहां पर आ गया? ये तो काफी ज्यादा बेचारों के शेल्टर्स देखो, कहां अमीर अमीर घर के बंदों को कहां रहना पड़ रहा है। सबके घर ब्लास्ट हो गए होंगे बेचारों के। Get him to the bloody clinic then. Shit. They knew he was dead sick the whole time. This doesn't look good for Angel. The clinic keeps government service hours, which means it's closed. We'll have to find Angel the old-fashioned way and hack their CTOS hub. Okay.
डाउनलोड द क्लिनिक एयर। अच्छा मेरे को पीछे भी मैं बाहर निकल रहा था। हाँ अभी यहाँ पर अपना हम कर सकते हैं अभी भी काम। क्लिनिक जो है ना यहाँ पर उसका हमें एआर डेटा सारा का सारा डाउनलोड करना है। ठीक है बे मतलब बाहर जा रहा था। If the EPC is a typical example of how humans treat each other, I'd say a benevolent AI overlord is a step up, wouldn't you? Okay. Bugger off, Bagley. I have reconstructed an AR scene of Angel's examination. You can view it inside the clinic. तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल देखो एंजल को ढूंढने के लिए जो भी हो सकता है हम लोग सारा का सारा कर रहे हैं। तो जो एंजल का एग्जामिनेशन था ना वहाँ का मैं एआर रिकंस्ट्रक्ट करना है। एंड अंदर की एंट्रेंस है क्या इस जगह की? यहाँ पर मैं इस गेट के अंदर मैं कहाँ से आऊँगा भाई? हेलो यहाँ पर तो कोई गेट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। के वाला गेट था इसे मैंने खोल लिया। अच्छा उस साइड से ही होगा बट अच्छा वैसे ही इनका क्लिनिक वगैरह है ना कुछ तो इसलिए इन्होंने वैसा बना रखा है विंडो वाला सिस्टम। बट मैं अभी अंदर कहाँ से? वाओ ये वाला गेट भी नहीं खुलेगा ना। ठीक है अभी मेरे को स्पाइडर बोर्ड का रास्ता दोबारा से ढूंढना पड़ेगा। बट इधर तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है भाई। मैं अंदर कहाँ से जाऊँ यार? कहाँ से करेंगे हम लोग एआर फुटेज इन्वेस्टिगेट जब मैं अंदर ही नहीं जा पाऊंगा? एक काम करता हूँ वो देखो मेरे को यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा मिला है और इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है। बट ये कैमरा के थ्रू नहीं हो पाएगा, मुझे खुद अंदर आना पड़ेगा। ओ ओ भाई ये क्या सीन हो रखा है? मार तो नहीं दिया इन्होंने एंजल को मेरे को लग रहा है भाई। यहाँ पर अगर ऐसे खून वून पड़ा हुआ तो सीधी सी बात है ये एंजल का ही हो सकता है। यहाँ पर कोई और कंप्यूटर वगैरह नहीं है क्या? एक यहाँ पर एक और कैमरा है, इसको हैक करते हैं एंड शायद से हम लोग अभी गेट खोल पाएंगे क्या? ये गेट नहीं खुलेगा अंदर से भी। ये वाला गेट भी नहीं खुलेगा। एंड गाइज यहाँ से हमें एक और वेंट मिल चुका है जहाँ से अपनी स्पाइडर बोट आ सकती है। इसको मैंने थोड़ा सा ना अच्छे से इन्वेस्टिगेट करा है बट ये रास्ता आ कहाँ से रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो मेन इसी को हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर बैक होते हैं। यहाँ और कोई भी कैमरा नहीं है। तो चलो गाइज अभी ना फिलहाल अच्छे से हमने देख लिया कि अंदर हमें कहाँ से जाना है। मतलब कि मेरे को पता नहीं चला है बट हाँ थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका है कि अपनी स्पाइडर बोट वहाँ से अंदर चले जाएगी। अभी ना इसको अबे सो रहा था, सॉरी सो जा भाई सो जा। बेचारों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो यहाँ से एक अंदर जाने का रास्ता वेंट उधर था तो यहीं कहीं से अपना वेंट होना तो चाहिए बट मेरे को एग्जैक्टली मिल नहीं रहा यार उस साइड से। तो मेरे को ओ वाओ ये रहा। ठीक है चलो जाओ स्पाइडर बोट तुम्हारा काम फिर से आ गया भाई। बहुत ज़्यादा काम का आइटम है, रुक जाओ यार। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग स्पाइडर बोट को भेज के इसे हाईजैक करते हैं एंड फटाफट से इस वेंट के थ्रू ना अंदर लेकर चलते हैं। ठीक है इस वाले मिशन में अपने स्पाइडर बोट का कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ये रही वो जगह। अभी बस जल्दी से इसको चल के इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरी की पूरी हमें एआर फुटेज मिलेगी। वैसे ये जो खून वून लगा हुआ है ना तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो एंजल है इसी को मार दिया गया है। उसके बेचारे की टी शर्ट यहाँ पर पड़ी हुई है एंड भाई सिलेंडर में भिड़ा के मारा है क्या? पता नहीं वो तो भी एयर फुटेज से हमें उसे एनालाइज करके पता चल जाएगा। ये देखो ये कौन है मेरे को ये पता चल पाएगा? ठीक है तो गाइस को भी ना फिलहाल सीन कुछ ऐसा है। एंजल की आप आवाज सुनो। ओके ओ भाई ये देखो ये मारा है सीन उठा के सिलेंडर एंड ये बंदा यहाँ से भागा। तो गाइस अभी ना आप लोग एक बार ना ध्यान से एंजल का फुटेज देखो। एंजल यहाँ पर खड़े होकर उसका इलाज कर रहा था एंड किस तरीके से ना इसी ये जो मतलब बंदा था इसने उठा के उसे मार दिया। अब पता नहीं यार इसको पहले ना डाउनलोड करते हैं। ठीक है ओ भाई तो कैसे को बिना फिलहाल बैगली ने ना पूरा का पूरा पाथ यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार वो बंदा भागकर गया कहाँ पर था। अभी फिलहाल ये गेट खुला, ये बंदा यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है तो अभी ना फिलहाल गेट तो खुल नहीं पाएगा, हमें ये जो काम है ना शायद से खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। अभी जल्दी से ना हम लोग आगे चलते हैं। हमें इतना तो पता चल चुका है कि कोई बंदा था जो कि शायद से एंजल को मार के भागा है या फिर एंजल उसको मार के भागा है, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ये देखो वो लोग कुछ इस टाइप से यहाँ से आगे भाग कर गया है। अभी ना हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार वो गए कहाँ पर। उसने सीढ़ी चढ़ी, उसने उसे रोकने की कोशिश करी थी बट ऐसा वो कर नहीं पाया, वो गिर गया। इनमें से एंजल कौन है मैं समझ नहीं पा रहा, एंजल मरा है या फिर मार रहा था बट हाँ जो भी हो भी हमें पूरा समझ आ जाएगा। तो ये बंदा पहले भाग कर यहाँ आया उसके बाद ऊपर चढ़ा, तो एंजल को मारने के बाद वो सीधा भाग कर आकर ये वाली सीढ़ी पे चढ़ गया और यहाँ से सीढ़ी चढ़कर वो चला गया सीधा आगे। अभी ना हमें ऐसे ही चेक करते करते ना पूरा पता चल जाएगा कि वो भाग कर गया कहाँ पर है। तुम्हारे पास यहीं तक का फुटेज था क्या? ओके अच्छा अच्छा वो वापस से यहाँ निकल गया। ठीक है अभी वो फिर यहाँ से आगे गया देन उसके बाद यहाँ पर वो फिसला फिर गिरा फिर उसके बाद ये बंदे ने आके इसके एक और लात मारा। ये देखो यहाँ पर ना ब्लड भी पड़ा हुआ है तो किसी बंदे ने आके उसे बचाने की कोशिश करी। ठीक है उसके बाद हुआ क्या दोबारा से देखते हैं। ओ भाई साहब लात ही दे दी उसके
भाई देखो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो AR फुटेज है ना, इससे हम लोग कुछ भी पता कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर वहाँ की AR, अगर हम वहाँ का डेटा एक्सेस कर लेना सारा, तो वहाँ की हम लोग पूरी AR फुटेज निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पास्ट में पहले क्या हुआ था। Could Mary be part of a scary dark web hacker group like, say, oh, I don't know, pick one, Zero Day? Interesting okay. theory, Bagley, but hold your investigation algorithms for the moment, will you? Angel needs us. The incinerator they mentioned is probably the Southwark incinerator. Shayad Angel jinda hai. Right 100% jinda hai wo. Shayad nahi 100% jinda hai. तो चलो गाइस, भी फिलहाल अपना इतना काम तो ये वाला मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, बिना जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओ, मैं कहां से आया था इधर? Oh good. A snarky sidekick AI. That's gonna take some getting used to. अच्छा ये यहां से वाली सिक्योरिटी। Well done by the way. Okay. Plan Calis new export. ठीक है गाइस, अभी फिलहाल हमें काफी कुछ पता चल चुका है स्टोरी से रिलेटेड, एंड उम्मीद आप लोग को भी ये चीज समझ आई होगी, वैसे 100% आई होगी। अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं, एंड मैंने अपनी बाइक कहाँ पार्क करी थी उसको लेकर यहाँ से मैं निकलता हूँ। मैं याद नहीं आ रहा मेरे को, ये वाली जो जगह है इसके मैंने सामने ले जाकर खड़ी करी थी ना। हाँ तो ओए भाई एक सेकेंड, या तो मैं गलत हूँ या फिर मेरे को, या तो अपनी बाइक यहाँ से चोरी हो चुकी है। नहीं यार, मेरे को याद है मैंने यहीं कहीं पर लगाई थी यार बाइक, ज़्यादा अंदर नहीं ले जाकर खड़ी करी थी। शेट यार, या तो बाइक चोरी हुई है या फिर वो कोई उठा कर ले गया, पता नहीं यार, जो भी उठा कर ले जाना चोरी एक ही बात है, बट कोई नहीं, हम भी किसी की चुरा के लाए थे। अभी फिलहाल जल्दी से ना मुझे एक बाइक चाहिए होगा। सर 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 बाइक दो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सर्च फॉर एंजल एट, अभी देखो फिलहाल हमें ना एंजल यहाँ पर नहीं मिला, बट हाँ एंजल के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। वो जो क्लिनिक था शायद एंजल का था, और उसके ऊपर किसी ने अटैक करा, वो बेचारा भागता हुआ गया, उसके लात मारी, पता नहीं जो भी था। अभी फिलहाल हमें जल्दी से जल्दी ना एंजल को ढूंढना है, और जहाँ तक हमें लग रहा है, और ऐसा वो भी कह रही है, क्या नाम था यार अपनी जो डेड सेक की लीडर है लड़की, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, तो वो कह रही है कि एंजल को ना हमारी जरूरत है। तो सीधी सी बात है, उसे हमारी जरूरत है, उससे काफी सारे बंदे तंग कर रहे होंगे, किडनैप करके ले गए होंगे, वो शायद से उसे अपने अंडर भी काम करवा रहे होंगे, क्योंकि वो डेड सेक का बंदा है, बहुत बड़ा हैकर है, सबके काम आ सकता है। तो भी जल्दी से हमें वहां पर चलना है, एंजल को बचाना है, वो हमारे काम आएगा इस जीरो डे को रोकने में। तो गाइस यार देखो, लंदन सिटी में ना रात में बाइक चलाने का एक अलग ही मजा है, मतलब क्या देखो क्या ही नजारे आते हैं। बट एक सेकंड, बाइक वाइक भाड़ में जाए, बाकी तू एक सेकंड बाइक रोक, ये बाइक मिली है ना मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया। अभी फिलहाल ना जल्दी से इसकी बाइक ने मैंने हैक करके रोकी है, एंड अभी फिलहाल जल्दी से इस बाइक को लेकर हम लोग चलते हैं सीधा सामने। एंड अभी फिलहाल जिस डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचना था ना, हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, और अभी ना फिलहाल जैसे हमने उस जगह पर ढूंढा था ना एंजल को, सेम टू सेम उसी तरीके से यहां पर हमें उसे ढूंढना है। बट इस बार ही मैं अपनी बाइक को ना एकदम अच्छे से पार्क करूंगा, ये वाला गैराज तो खुलने नहीं वाला। ओ नहीं, मैं सॉरी मैं अंदर आकर भाग, भाई भाई भागो भागो, अभी बहुत गलत सीन हो गया है। अभी मेरे को ना अपनी बाइक अंदर नहीं जानी थी, ये बंदे मेरे को बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं। एक बंदा तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये पीछे पड़ी है तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। मेरे को लग रहा था कोई बहुत तगड़ा गार्ड है। फिलहाल इसके ना मुंह पे रख के दूंगा, एक और खा। बट अभी ना फिलहाल दिक्कत ये है कि अभी ना और कोई आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। लो भाई अभी फिलहाल इसके मैंने स्टन मार दिया यहाँ पर दोनों जगह, और सामने से अल्बायन के बंदे आ गए। सॉरी मैम अभी जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, अपने पास हेल्थ भी ज़्यादा नहीं है। एंड ये ग्रीन डॉट वाले बंदे कौन होते हैं भाई? ये कुछ तो काम के बंदे होते होंगे, बट मैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जल्दी से ना मेरे को अंदर जाना है, पहले ना मेरे को सोच समझ के जाना चाहिए था, पर मैंने ना थोड़ी जल्दबाजी कर दी। बट अभी फिलहाल मैं पूरा स्नीक करके अंदर जाने वाला हूँ। पीछे की तरफ में तो कोई भी नहीं है, एंड यहाँ पर भी कोई नहीं है। वैसे अगर ज़्यादा सिक्योरिटी, ओके तो शायद से ना मेरे को कोई तो बंदा मारने आया, मेरे को आवाज आई थी, मैंने अच्छे से देखा नहीं। तेरी भैंस के डंक, इसको मैं एकदम एक ही में कैसे मारूं यार इस एक सेकंड रुक जाओ। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल इस लड़की के ना मैंने रख रख के चाटे चाटे बजा दिया है, क्योंकि इसको प्यार से समझ नहीं आ रहा था, मैं चुपचाप से यहाँ पर अपना आ गया था। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल इस लड़की को तो मैंने मार दिया है, बट सामने से ना एक बंदा और आ चुका है, इसको पता नहीं है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर हूँ, बट हाँ इनको ना साउंड वाउंड आ चुका है कि यहाँ पर कोई तो गलत बंदा घुसा है। एंड अभी फिलहाल इसे मैं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, चुपचाप से ना यहाँ से आगे निकलते हैं, किसी और रास्ते से हम लोग अंदर चल लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एंड शायद मेरे को देख लिया किसी ने तो। ओके नहीं 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 देखा किसी ने, नहीं देखा, चिल है मामला पूरा चिल है। जल्दी से ना हम लोग ऊपर चलते हैं। ओ नहीं भाई, पूरा अभी एक टाइम के लिए ऐसा सीन हुआ था कि उन्होंने मेरे को पूरा देख लिया था, बट अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अंदर कैसे जाऊँगा? रुक जाओ, ये गेट तो हैक नहीं होगा। एंड यहाँ पर ये क्या चीज़ है? नहीं नहीं, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। वेंट है, वेंट भी अंदर नहीं है। अच्छा यहाँ मैं पूरा पूरा पजल सोल्व करने के अंदर जाने के लिए। रुक जाओ, ओ भाई सामने काफ़ी सारे बंदे हैं,
पहले ना गाइस एक काम करता हूँ, वाली जो लैडर्स है ना इस पे चढ़ के मैं ऊपर चलता हूँ, बट ऊपर भी काफी ज्यादा खतरा है, एक बंदा ऊपर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं ऊपर वाले बंदे को मारने के लिए जाऊंगा ना तो भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन्स नहीं है किसी भी बंदे को साइलेंटली मारने का। ओके, इसके मैंने थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, एंड अभी ना फिलहाल मैं इसको जाके सीधा स्टन करने वाला हूँ। ले एक लात, एक खा, एंड एक ओ एक में ही ढेर। चलो भाई बहुत सही, ये मैंने मारा ना इसको एकदम बढ़िया तरीके से साइलेंटली। अभी चुपचाप यहीं पर बैठते हैं थोड़ा सा। नीचे की तरफ में एक बंदा हो रहा है भाई, वेपन्स देखो यार कितने ज़्यादा हैं, मतलब वेपन्स ना खोल के रखे हुए हैं, लग रहा है ये लोग यहाँ पर अपने हिसाब से उसे पूरा पूरा बनाते हैं फिर उसका यूज़ करते हैं। बट मैं तो ये देख रहा हूँ कि आखिरकार मैं अंदर कैसे जाऊँगा, एंड ये क्या चीज़ है, एक सेकेंड, कुछ तो है, इसे मैं ओपन करूँ। मास्क था इसके अंदर, चलो ठीक है अच्छी बात है, एक आध मास्क मिल जाए तो बढ़िया रहता है। फिलहाल जल्दी से ना हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं, एंड कि मैं खोलूँगा कैसे यार ये वाला गेट, ना ही मेरे पास आगे जाने का रास्ता है, वो क्या चीज़ थी। ओके, तो भी ना एक आध बंदा यहाँ से मरेगा, तो गाइस को भी ना फिलहाल मैं भाग कर सीधा नीचे वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ, क्योंकि शायद से ना इन लोगों ने मेरे को देख लिया है और सीधा मारना शुरू कर दिया है। अब यार एक एक बंदे को ना मेरे को चुपचाप से मारना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वैसे यार देखो इन लोग को ना मेरी लोकेशन अच्छे से पता है। ओके, ये M249 लेकर आ रही है, और नहीं तेरी ऐसी दसी, पिस्टल निकाल अपनी और यहाँ पर निकल, यहाँ से एक गया, एंड सामने से और कोई तो नहीं है ना। चलो कवर लेना भाई, फटाफट से इसे रीलोड करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन है, थोड़ा सा ना और आगे चलता हूँ, एंड यहाँ पर से अगर मैं लेफ्ट जाकर ऊपर जाऊँगा तो शायद से मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा। मैं ऊपर पहुँच गया था, बट उस गेट के अंदर कैसे एंटर होना था मेरे को वो नहीं समझ आ रहा था। एक बंदा हो रहा है सामने से, आ जा बेटा, आज मैं तुमको दिखाई दूँ कि फाइट लेके कैसे खेला जाता है। उठने की कोशिश नहीं, आ, 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 बहुत लेट कर दिया आपने, कमांड दे रहे हो, बंदा सामने खड़ा है अपने बाकी बंदों को कमांड दे रहे हो कि सामने खड़ा हुआ है वो तो तुम्हारे बजा ही देगा ना उतनी देर में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसको लेकर मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से पहले ऊपर चलते हैं, बाकी तो ये लैडर्स मैंने चढ़ ली, एंड ये सिलेंडर फूटेंगे क्या, नहीं नहीं फूटे, स्टन से नहीं फूटेंगे, क्या पता वो वाली जो पिस्तल है उससे फूट जाए। बाकी ओ भाई अजॉल्ट राइफल नहीं यार, क्या बदतमीज बंदा है, मैं पिस्तल चला रहा हूँ, कम से कम बराबरी का तो मुकाबला करो। इसको तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, निकल यहाँ से, एक और ले, एक और खाओ, ओ रीलोड। तो अभी ना फिलहाल मैं सामने देख रहा हूँ, और ये भाई साहब जी पीछे आ गए, रुक जा रुक जा, ओ ओ ओ, 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 ओ निकल यहाँ से। फिलहाल इसको मारा, एंड ले लिया है मैंने कवर, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर ना हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा कम है, और मेरे को फीलिंग आ रही है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे को पूरी फीलिंग आ रही है इस टाइम पर कि मैं गया। ठीक है, एक बारी कवर लेने दो, एंड अभी मैं इसके पिछवाड़े पर बचाऊंगा एक। ओ भाई 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 क्या ही ब्लास्ट हुआ है, एक का दूसरी का, नहीं 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 असोल्ट राइफल लेकर इतना ज़्यादा क्लोज नहीं करने का, पहले कवर 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 कवर। ओके भाई बहुत ज़्यादा गलत फाइट हो गई है, पूरी रीलोड करने दो भाई, अपने पास ना हेल्थ तो बहुत ज़्यादा कम है, अगर मैं नीचे वाले फ्लोर पर जाऊँगा ना तो शायद से मैं सेफ। ओह भाई ये शॉट के लिए लाइक तो बनता है जल्दी से, ये सच्चे में बोल रहा था ऐसे कुछ बोलने जा रहा था, तुक्के में मैंने बचा दिया, तुक्का नहीं था वैसे, निशाना था, तुक्का नहीं था, बहुत ज़्यादा मेरे को पता ही नहीं था 100% लगेगा, मैंने ट्राई करा और वो लग गया। बाकी तू अंदर हो यार जल्दी से ना, रुक जाओ इसको ऊपर जाके मारना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा उछल रहे अब। आ बेटा बहुत देर से उछल रहा था ना, इधर इधर इधर, नीचे नहीं है हम बेटा, नीचे कहाँ देख रहे हो, बेचारे को भी लग रहा है मैं नीचे हूँ, वहाँ का चढ़ गया, निकल यहाँ से। ओके तो चलो गाइस, अभी फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे थे ना मैंने सबको मार दिया है, अब हम लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि आखिरकार मैं अंदर कहाँ से जा सकता हूँ। और ये जो जगह है ना इसको मैं हैक कर लूँगा, बट मेरे को ना पहले पूरा पाथ पता करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये हैक होगा। ठीक है, जल्दी से ना इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर पूरे को पूरे जो ट्रैक है ना इसको हमें ठीक करना है, वैसे एक ही बार में हो जाना चाहिए ना, ये तो ब्लू हो गया ना। ओके तो अब ये जो गेट है खुल जाएगा। ठीक है, तो ये गेट खोलने के तरीके होते हैं, एक ही काम ना बहुत तरीके से हो सकता है, अगर आप स्पाइडर पोर्ट का रास्ता ढूंढ लोगे तो उससे भी हो जाएगा, वरना आप लोग खुद जाकर भी हैक कर सकते हो। बाकी तो ये वो जगह है जहाँ से मैं यहाँ का जो मेन सर्विलेंस डाटा है ना वो सारा डाउनलोड करना है, तो भी ठीक है इसको मैंने डाउनलोड पर लगा दिया है। एंड कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगे और मेरे को डर लग रहा है कि यहाँ पर और एनिमीज ना आ जाए। इन्वेस्टिगेट द बेसमेंट। ठीक है, अभी हम लोग जल्दी से ना बेसमेंट में चलते हैं इस जगह की। एंड एंट्रेंस कहाँ पर है भाई, ये बिल्डिंग में मैं आता जाता नहीं रहता हूँ, पहली बार आया हूँ। ठीक है, बाकी तो बैगली जिंदाबाद सब कुछ हमें बता देता है कहाँ से है भाई साहब। तो गाइस सर देखो, अगर मैं सच्ची बताऊँ ना तो मेरा ड्रीम सेटअप भी कुछ इस टाइप का ही है, कि एक रूम हो बेसमेंट के अंदर जिसका गेट कुछ इस टाइप से हो, जैसे लेस्टर वगैरह नहीं जाते हैकर वाले रूम में, कुछ उस टाइप का। ये देखो गेट, देखो कितना ज़्यादा तगड़ा है। अभी फिलहाल ये है मेन बेसमेंट की एंट्रेंस, में से खोलूँ क्या? ओके अभी देखते हैं कैसे खोलेगी, मुझे तो लग रहा था वो वाला गेट है। ओह भाई ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। बाकी ये कितना ज़्यादा सही है, इसमें कूद के जाएगा। ओके तो फिलहाल वो कूद के अंदर आ चुका। ओह भाई मैं गिर गया यहाँ आके। एंड एक सेकेंड, पीछे भाई सब कुछ बंदों की बॉडीज पड़ी हुई है।
ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उस पर ऐसा लिखा हुआ है पीछे एक बॉक्स पर। भाई ये हम लोग कहाँ पर आ गए? जैसे ये एंजल कौन है? ये एंजल तो नहीं है भाई। देखो डॉक्टर तो वही था शायद, नहीं डॉक्टर नहीं है वो, वो डॉक्टर के पास गया था। बाकी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर रहा है भाई ये? ये है काइटलिन लुआ, लाओ जो भी, लाओ लाओ जो भी। ओ गया ये से, आओ भाई ये तो वही लड़की है वो मिलिट्री वाली, जिसने मिलिट्री को छोड़ दिया था और इसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्लैन कैली एल्बायन और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उसके लिए। ओके तो फाइनली हम लोग इससे मिल गए हैं। कम ऑन आउट, आई एम नॉट गोना कट यू। भाई 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 इसने हमें भी देख लिया था क्या? ओके क्या सीन है, इसको क्या करना है हमें? टॉक टू द विक्टिम, ये विक्टिम तो यार वही है, वही लड़की जिसको हमने जाकर उससे बात करी थी। हेलो भाई साहब ये तो काफी ज्यादा मिलिट्री की आ रहा किरकार वो, उसने अब मिलिट्री छोड़ दिया अल्बायन की वजह से। थैंक्स फॉर द डिस्ट्रैक्शन, गिव मी द सेकंड आई नीडेड टू टेक केयर ऑफ दिस फिल्थ। यू आर राइट, थॉट यू वर डन फॉर। एंजल को ढूंढ रहे हैं, कहां पहुंच गए हम लोग? ही वाज, आई एम फाइन, आई जस्ट नीड अ सेकंड टू कैच माय ब्रेथ एंड फाइंड माय फाइल्स। वेट अ मिनट, आई नो यू, यू आर दैट इंस्पेक्टर कैटलिन लाउ। तो एक्चुअली इसे नहीं पता कि हम लोग ने इसकी वीडियो देख ली है। अब ये पहचान गई क्योंकि हम लोग हैक करके इसके रूम में पहुंच गए थे, हमने वहां पर जाकर इसकी वीडियो देख ली थी, तो इसलिए अभी हमें पहचान गई कि तुमने वीडियो कैसे देखी, तुम डेड सेक हो गया। At least we can stop looking for the missing people now. It's fucking sickening. Then I'm sorry. फिलहाल ये अगर हमारे साथ रहेगी तो हमें बहुत कुछ बता सकती है। The Kellys have got a sick little operation going, a kind of human organ black market. Oh, teri. I've been investigating them for months, and they got my fucking files. So guys, जो मैंने बताया था ना, Kelly जो gangsters का group है, listen, तो वो क्या कर रहा है? जो normal बंदे हैं ना, उनको पकड़ रहे हैं और उनके organs निकालकर बेच रहे हैं. Organs आप लोग को पता होंगे, जितने भी अपने human body के organs होते हैं. And I'll save us all some bloody bye, precious bye, bye. time. Think about working with us, because we're going after this Mary Kelly bitch. Okay. अभी तो फिलहाल यार ये जो कहानी है बहुत ज्यादा खतरनाक सी होती जा रही है, बट हाँ अभी ना फिलहाल अच्छी बात ये है कि हमारे साथ ये आ चुकी है। वहाँ कहाँ जा रही है? हम अकेले जाने का। सर्च फॉर एंजल लोपेज, कहाँ पर जाना पड़ेगा? यहीं पर सर्च करना है क्या? तो गाइस अभी ना फिलहाल हमें शायद से ना बस थोड़ा बहुत यहाँ से आगे और जाना है, जहाँ पर हम लोग एंजल के बारे में ढूंढ उसको मारू क्या? तेरी भैंस की। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तेरी। अभी इसके लग भी नहीं रही है भाई, क्या बात। एक सेकेंड, अब आ निकल यहाँ से। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, यहाँ पर कितने सारे बंदे। हो सकता है एंजल को भी यहीं पर लाए हो भाई। इसकी देखो टांग काट के रखी हुई है, क्या ही चल रहा है भाई। फोटोग्राफ द कॉप्स, बट एक सेकंड पहले बाहर बंदे हैं। दो बंदे हो रहे हैं इसको, मतलब एक बंदा हो रहा है, इसको भी मारना पड़ेगा। ठीक है दोनों गए। अभी फिलहाल तीन चार जगह है, इस जगह का हम लोग जब एआर डेटा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हमें पूरा मालूम पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अपना कैमरा निकालते हैं और इन सब की ना फोटो हम लोग एक एक खींच लेते हैं। तो गाइस देखो एक बंदे की तो मैंने फोटो खींच लिया है और ऊपर वो देखो राइट साइड में वहां पर ना पूरा का पूरा। ओके हाउ मेनी पीपल हैव क्लैन केली पुट थ्रू दिस दिस फकिंग हॉरर शो। We have to put an end to this operation. Mary Kelly's got to go down. तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे को पूरा का पूरा सीन समझ आ गया कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यार देखो ये जो क्लैन कैली है ना, ये क्या करता है, जितने भी नॉर्मल बंदे हैं ना इन सभी को किडनैप करता है और यहाँ पर पकड़ कर ले आता है उन्हें। फिर क्या करता है, उनके ना ऑर्गन्स निकाल कर उसे ब्लैक मार्केट में बेच देता है पैसे कमाने के लिए। अब यार देखो इसे ना हमें जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा। और जब एंजल डॉक्टर के पास गया था ना, तो उस डॉक्टर ने भी यही करा था। एंजल को पता चल गया था कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उसने सिलेंडर उठा के उसे मारा, बट वो बेचारा फिर भी पकड़ा गया। बट अभी ना फिलहाल इसी इन्हीं की मेरे को ना अभी फोटो खींचनी है ताकि हमें पूरा का पूरा पता चले। इसके बारे में ना अभी फेस हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि पता नहीं है भाई क्या क्या इन्होंने चेंज ही कर दिया है। फिलहाल इसकी एक फोटो खींचते हैं, इससे क्या होगा बैगली से पूरा का पूरा डिटेक्ट करेगा इनमें से एंजल कौन है। बाकी तो यार मेरे को लगता नहीं है कि ये जिंदा भी होने वाले हैं। बाकी यहाँ पर इसको भी ट्रेस करते हैं जहाँ तक है। नहीं ये भी एंजल नहीं, ये लास्ट एक बंदा है। Probably filled with some sort of toxin that induces paralysis and asphyxiation. Intubation would prolong life until surgeons get round to them. Keeps the organs fresh for the fucking butchers.
Fantastic. Vault. ओके अभी फिलहाल यहाँ पर हमने पूरा पूरा तो चेक कर लिया, बट यहाँ पर भी अभी हमें शायद से एंजल नहीं मिला। Unfortunately, I must confirm that this is indeed Angel Lopez. ओ गाइस, वो जो बंदा वो एंजल ही है। ओ भाई 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 भाई। Risks, I did too, but ये वाला जो बंदा गाइस एंजल ही है। अगर ये है तो सीधी सी बात है मर गया होगा। On London's most vulnerable. She's a fucking monster. Taking her out needs to be a dead sec priority. Now we need to find any way you can on Mary Kelly and see if my conjecture may be correct. Could Mary Kelly be in zero day? Mary Kelly, ठीक है। ये सारे के सारे ना zero day के साथ काम कर रहे हैं। बाकी इसको जल्दी से हम लोग उठाते हैं। यहाँ का अब हम लोग ना शायद से data reconstruct कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमें पूरा का पूरा सीन पता चल जाएगा यहाँ पर। Well done, you got the files. The inspector will be impressed. Now get out of here. अभी फिलहाल हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि हाँ यार एंजल मर ही गया, no तो फिर हम डेटा रिकंस्ट्रक्ट करके क्या करेंगे? हमें उसका पूरी बॉडी ही मिल गई यार, हमें पूरा सीन पता चल गया। वो उस जगह से भागा, डॉक्टर के पास वहाँ पर गया था, उस जगह से पूरा भागा। इन लोग ये लोग पकड़कर अल्बायन वालों के जितने बंदे थे उसे पकड़कर यहाँ ले आए, और जो गैंगस्टर थे क्लाइन कैली वाले इन्होंने पकड़कर उसे ऑर्गन्स निकाल कर भेज दिए। बस ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं जीरो डे के लिए भाई, बहुत गलत सीन है। But an anatomy lesson by now, or a pile of ashes. You'll be happy to know that Inspector Lau has been escorted to a nearby refuge and is getting her wounds treated. Okay. I'll be fine. Okay. Still a little flighty from whatever they gave me. ठीक है। And frankly, a little stunned that we've joined forces. My, here we are working with a former officer of the law. ओके गाइस, तो अभी चलो तुम दोनों दो मिनट शांत रहो। तो हाँ देखो गाइस, अभी ना फिलहाल ये जो इंस्पेक्टर है ना मिलिट्री वाले, जिससे हमने लास्ट टाइम वीडियो कॉल पे नहीं बात करी थी, इसके हमने वीडियो देख ली थी। अभी फिलहाल हम लोग उस तक पहुंच गए, हमें पूरा का पूरा सीन पता चल गया। इसको भी वो लोग पकड़ कर यहाँ पर ले आए थे, मिलिट्री वाली को भी, और ये तो खैर बहुत तगड़ी थी, इसलिए ये अपना बचाव इसने बहुत आराम से कर लिया। बट हम लोग भी एकदम एंड टाइम पर वहाँ पर पहुंच गए थे। ओके तो अभी ना फिलहाल हमें अटेंड द टीम ब्रीफिंग, ठीक है, ये काम भी अभी हमें करना है। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल बस आप लोग देखते जाओ आगे क्या क्या होने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग जीरो डे तक कुछ भी करके पहुंच पाएंगे, क्योंकि यार पूरा का पूरा शहर उसके हाथ में है। तो चलो गाइस यार, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 350,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। एंड हाँ, जो भी चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो लाइन मेरे से बात करने के लिए आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।